हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर सगले मजे गोयकार भाव भईणा तुमका हम नवे वर्ष की हुनहुनीत पर दाँ सो so गाइस आज मैं आप लोगों के साथ आलू मेथी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आइज मेथिये भाजय रेसिपी हाँ तुम्हें लगे शेयर कोता हाँ कैसे को कोता मेथी भाजी हाँ एक चवरी हाड़िली ती हमें साफ के धुला सो so, uh, मैंने अभी यहाँ पे क्या किया है कि मैंने जो uh, मेथी की सब्जी है ना उसको साफ़ करके अच्छे से वॉश किया है गाइस मैंने यहाँ पे कुकर जो है गरम करने के लिए रखा है और इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच तेल डाला है और एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके उस पर मैं भूनूँगी उसमें uh, प्याज भूनने के बाद उसमें मैं हरी मिर्च आप अपने तीखेपन के हिसाब से डाल दीजिएगा मैं तीखे वाले इस्तेमाल करती हूँ तो मैंने दो लिए हैं और उसके बाद मैं उसमें घे एक टमाटर तो फिर आता है हा किंवा केला कुकर हा तो गरम करून दल्लेलो मापव तितून हाय एक वडल्या कुलेर तेल घायला एक वडल्या साजीचा कांदो घेला बारीक कापला आणि ते आता तेलान बरो भाजतले आणि त्याच्या उपरांत हाय तीख तो मिरसंगो उजार कोता सो, सो ते दोन घेल्या आणि एक टोमाट मागीर ते मोव जर तिका बरें सोते कोतले इसके अलावा इसमें मैं डाल रही हूं दो छोटे साइज़ के आलू उनको मोटा, मोटा काट के ही मैं डालूंगी सो आंगा किरक कोतले हायन दोन दाखले साजीचे बटाटे घेल्या आणि त्यांटे अर्दे अर्धे असे कापून मोटे मोटे कापून घालतले कियाक भाजी शिजता ते इरगतात भेरे तर आमचे जे फोंड आहात पण ते तयार झाला आता इथून घालतले आणि वॉश करून दल्ल्या ती भाजी ओके आणि इथूनच तिका दोलो मारून हे कोतले कित्याक सध्या ती आता भरलेली ही दिसता आणि मासोगुत राहून ती त्यात फोण्णात उदक घाल तिका दोला मारल्या उपरांत ती इजता आणि जाता ओके okay, कित्याक हे भाजयेचें चडशें उदक सोदता चड उदक आपले, आपलें सो चड उदक घालपाची गरज ना आनी मातशें उदक घालून तिका कुकराचे दोन सिटी काडटले कित्याक ते बटाटे आहा तें शिजोवंक तो गाइस यहाँ पे मैंने ये बोला है कि मैं इसमें अब हमारी वॉश की हुई सब्ज़ी डाली है मैंने और इसको ना बिना पानी इसी में थोड़ा उलट पुलट कर दूँगी क्योंकि इस सब्जी का ना पानी निकलता है और आप देख रहे हो कि वो ना बहुत ही जल्दी गल जाती है और पहले तो भरा भरा लग रहा था कुकर अब बहुत कम लग रही है तो इसमें मैं हल्का सा पानी डाल रही हूँ वो भी आलू की वजह से क्योंकि और वो पकनी चाहिए अंदर से बहुत कम पानी डाला है मैंने और उसको मीडियम फ्लेम पे आपने उसको दो सीटी निकालनी है इससे क्या होता है कि आपकी सब्ज़ी जो है अच्छे से पक जाती है तो गाइस प्रेशर कुकर की दो सीटियाँ हो चुकी है और उसका प्रेशर भी निकल चुका है तो अब मैं उसको जो है कुकर को खोल रही हूँ और हमारी सब्जी जो है गाइस अच्छे से पक चुकी है अब देख सकती हो सब्जी का पानी निकल चुका है और इसमें जो आलू है ना वो ऐसे जैसे मैंने मोटे मोटे काट के डाले थे उनको मैं अब स्मैश करूँगी तो गाइज़ स्मैश करने के बाद इसमें मैं आ, दो छोटे चम्मच भर के ग्रेटेड नारियल डालूंगी और स्वाद अनुसार नमक और कुकर का जो ढक्कन है ना उसको मैं ऐसे ही डाल रखूँगी मतलब लॉक नहीं करूँगी और उसका पानी जो अभी थोड़ा सा हल्का सा पानी बचा है ना वो सूखने तक उसको धीमी आंच पर उसको पकाऊंगी ठीक है तो गाइज आता है नागा किरे मुल्ला कि जे कुकर आयन ओपन के पोला कि बटाटे जे आहा तो ते हाँ तंग स्मैश को माशे उदो खा भाजीन सो आता हूँ हत्या दोन धाकटे कुलेर चून घालतोले आनी मीठ घालतोले So, आनी आनी सो आणि ते कुकरचे लॉक सॉरी धाकण हा पण ते लॉक करून दत्तले आणि ते भाजेचे उदक सो तेका लो गॅसीचे शिजतोले एकदा ते उदक शिजले म्हणटकच आमची भाजी जाली तयार तो गाइस हमारी सब्जी जो है वो तैयार हो चुकी है आप इस रेसिपी को डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा आप इसे रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं सो so, गाइस हम शी भाजी जी हा तैयार झालोली हा तुम्हें डेफिनेटली ट्राई करा ही भाजी एकदम रुचिक लगता मज़ी सारकी फेवरेट आड करी चपाती वो पवान शीतान कशे खाऊ शकता जरी तर तुमक व्हिडिओ खुंच्याही कारणा खातीर आवडला जे लाईक कराय माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब कराय तो फेर मिलते हे मेरी अगली व्हिडिओ मे टिल देन बाय टेक कॅर ॲन बी सेफ आणि सगळ्या माझ्या गोयकार भाऊ भयणांना कालसातून देव बरे करू